भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरियाली अमावस्या की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरियाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है। सावन मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का अपना अपना बहुत अधिक महत्व माना गया है। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों लगाना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। हरियाली अमावस्या पर देव वृक्ष पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना शुभ माना जाता है। इस दिन पितृदोष से मुक्ति हेतु तर्पण तथा पिंडदान भी किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शंकर जी का विशेष पूजन तथा अभिषेक भी संपन्न किया जाता है और आंकड़े के फूल भोले बाबा को इस दिन विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ हरियाली अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ जी को बिलपत्र और भांग धतूरा भी चढ़ाए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। इस दिन सावन के झूले में बच्चे और महिलाएं झूले झूलते हैं। इस दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाता है। पवित्र नदी कुंड में स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण भी संपन्न किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन दीप दान भी करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करके उनकी परिक्रमा भी की जाती है और हरियाली अमावस्या के दिन किसी नदी अथवा तालाब में जाकर के मछली को आटे की गोलियां खिलाने से धन सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन आसपास में जहां पर भी चींटियां होती है वहां पर सूखे आटे में चीनी मिलाकर खिलाने से सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको सिंदूर तथा तेल का चोला चढ़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गरीब व्यक्तियों को तथा ब्राह्मणों को, साधु संतों को इस दिन भोजन करवाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो अमावस्या के निमित्त उनको दान दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। इस दिन आटे के दीपक जला करके नदी में प्रवाहित करने से पितृ देवता तथा माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इस दिन गेहूं और ज्वार की धानी का प्रसाद वितरण किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, नशे आदि से दूर रहना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य अधिक सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जान करके विशेष सावधानी रखना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर के विशेष पूजन अर्चन तथा सरसों के तेल का दीपक लगा करके शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय भी कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव जी और भगवान श्री विष्णु जी के मंत्रों का जाप और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए।
इस दिन पितृ सूक्त का पाठ, गीता जी का पाठ, गरुड़ पुराण का श्रवण भी कर सकते हैं। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ, रुचिकृत पितृ स्तोत्र का पाठ, पितृ गायत्री मंत्र का जाप, पितृ कवच का पवित्र पाठ या पितृ देव की चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और हरियाली अमावस्या की रात्रि में भी विशेष पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। पूजा के समय थाली में स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र रख करके उनकी विधिवत आप पूजा करें। ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। हरियाली अमावस्या नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन हरियाली को समर्पित दिन होता है। हरियाली के आगमन के रूप में प्रकृति अर्थात परमात्मा का पूजन अर्चन किया जाता है तथा इस दिन कृषक वर्ग भी आने वाले वर्ष में कृषि के विकास का अनुमान लगाते हैं, शगुन करते हैं, उपाय करते हैं। सावन की फुहार और बहार के साथ में हरे भरे पर्यावरण का स्वागत किया जाता है। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरि अमावस्या कहा जाता है। इसका संबंध प्रकृति से है, प्रकृति अर्थात परमात्मा से है। हरियाली को साक्षात परमात्मा का स्वरूप माना जाता है क्योंकि जब हम परमात्मा का दर्शन करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब हम चारों तरफ हरियाली देखते हैं, हरा भरा देखते हैं, तब भी हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारी आंखों को परम शांति प्राप्त होती है क्योंकि हरियाली के अंदर भी परमात्मा का वास है, ईश्वर का वास है। हरियाली अमावस्या का संबंध पितृ से है तथा भगवान शंकर से है। तीनों लोक से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का विशेष महत्व है। अतः पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ही अनेक वर्षों से हरियाली अमावस्या का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को समाप्त करके पेड़ों की संख्या अधिक से अधिक करके और इस संसार में सुख शांति समृद्धि का आगमन हमें करना चाहिए। यदि इस दिन कोई भी मनुष्य पेड़ पौधे रोपित करते हैं तो उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर समृद्ध बना रहता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है, इसी कारण से इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता का स्वरूप माना गया है। पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेकों देवी देवता का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के मूल भाग में जल, दूध तथा शकर चढ़ाने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है तथा शनि शांति के लिए भी शाम के समय सरसों के तेल का दीपक लगाने का विधान है। पेड़ पौधों से केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित होता है। प्रातःकाल जल्दी उठ करके पूरे विधि विधान से माता पार्वती तथा भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और सुहागन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और सौभाग्य की सामग्री का वितरण भी उनको करना चाहिए। हरी चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की लंबी आयु होती है और घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण निर्मित होता है क्योंकि जब सौभाग्यवती महिलाएं सौभाग्य का दान करेगी तो उन्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी यदि हरियाली अमावस्या के दिन हरी चूड़ियों का दान करते हैं, हरे कपड़ों का दान करती है या सौभाग्य की वस्तु का दान करेगी तो निश्चित तौर से उनको अच्छे पति की प्राप्ति हो सकेगी। दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए अच्छी भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियां, मिठाई आदि सुहागन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले संपन्न कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे यानी परिक्रमा लगाई जाती है तथा मालपुए का भोग बना करके भोग लगाया जाता है और उसका वितरण भी किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का निवास माना जाता है। इस दिन माताएं, बहनें, भक्तजन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है।
जो भक्तजन माताएं बहने श्रावण मास की हरियाली अमावस्या का व्रत रखते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद में ब्राह्मणों गरीबों और जरूरतमंद लोगों को यथाशक्ति दान दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। हरियाली अमावस्या की जो पौराणिक कथा बताई गई है वो इस प्रकार से है। एक राजा था, उसके एक बेटा तथा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम ले दिया चूहे पर कि चूहा चुरा करके मिठाई खा गया है। ऐसा सुनकर के चूहे को बड़ा गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर मेहमान आए हुए थे और वह राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जा करके मेहमान के पास में रख दिए। सुबह उठ करके सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में कैसे चले गए। आखिर क्या माजरा है कि रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में पड़े हुए। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज शाम को दीपक जलाया करती थी और ज्वार बोती थी, पूजा करती थी, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर उस रानी पर पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, जाकर देखो उस पेड़ पर कौन रोजाना पूजन अर्चन करता है और इस प्रकार का कौन यहाँ पर कर्म कर रहा है। तब सैनिकों ने देखा और आकर के राजा को कहा कि राजन, वहां पर रानी ही पूजन पाठ करती है। तब उस वृक्ष में जो पितृ देव थे, जो अमावस्या के अधिष्ठात्रा देवता थे, उन्होंने रानी को आशीर्वाद दिया कि जा तू सुखी हो जाएगी। फिर उस पेड़ से रानी ने उतर करके जो है वहां से नीचे गई। तब अचानक सैनिक आ गए और सैनिकों ने राजा को जाकर बताया कि राजन, उस रानी का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। इस प्रकार पूरे नगर में, पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि रानी निर्दोष है, उसका कोई भी दोष नहीं है। इस प्रकार अमावस्या जो होती है वह परम पवित्र मानी जाती है और वह रानी हरियाली अमावस्या का पूजन अर्चन करके, हरियाली का पूजन अर्चन करके ही निर्दोष हो चुकी थी और सभी कलंक उसके माथे से मिट चुके थे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भोले ईश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पितृश्वर भगवान की जय। गजानन गणपति भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शनिदेव भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उस कथा श्रवण के निमित्त या अमावस्या के पिंडदान तर्पण ब्राह्मण भोजन आदि कर्म के निमित्त आप नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं तो अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से पहुँचा करके अमावस्या का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।